गायम रहे। गायम रहे हमेशा। रहेगा हमेशा मेरे ख्याल से ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने शक्तिमान नहीं देखा होगा अब मेरी स्माइल देख रहे हो सामने देखने के बाद शक्तिमान इतना आसानी से बना भी नहीं था वायर फिक्स कर करके हमें बांधे जाते थे पूरे पैर में अच्छा कमर पे बड़ा पेनफुल प्रोसेस वेरी पेनफुल प्रोसेस आज के टाइम पे किलविश का मीम बनेगा तो मैं ये सोचता हूँ कि आधार कार्ड के ऊपर किलविश की फोटो <laughs> आज का यूज भी शक्तिमान किलविश की वेट कर रहा है थ्योरी सामने आती रहती हैं बात बीच बीच में ये भी आई कि रणवीर सिंह करेंगे जब तक तुम किसी को दोगे नहीं तो कोई करेगा कैसे तो प्रूफ कैसे करेगा प्रूफ कैसे करेगा लेकिन मुकेश का एक वो अपनी चीजों को इजिली कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हो हिंदुस्तान में एक ही एक्टर है जो कर सकता है उनका कौन था? या उस समय का जो संघर्ष था मैं थोड़ा जानना चाहूंगा वो 80s का दौर स्टार्टिंग में जब मुंबई ऐसा ही था या कुछ और था कुछ बदला मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस मुंबई में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं जी ऐसा नहीं है यहाँ किलविश भी है और यहाँ शक्तिमान, शक्तिमान भी, भी है और हमने महाभारत के किसी भी कलाकार ने ये नहीं सोचा था कि महाभारत आगे चलकर इतना बड़ा इतिहास लिख देगी आज भी मैं जब सड़क पे कहीं चलता हूँ तो लोग मुझे के नाम से ही बुलाते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा भी था कि आप थोड़ा सा डिमांडिंग हो गए थे कहानियों को लेके कैरेक्टर्स को लेके कि ऐसा नहीं होगा नहीं, या ऐसा नहीं, होना नहीं, चाहिए आपने एक सीरियल छोड़ा आज सैतीस साल की इस यात्रा में दस हजार एपिसोड में अभी तक कर चुका हूँ हेलो जी माय पॉडकास्ट शेखर राय में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूं शेखर राय आज हमारे इस शो में जो हमारे मेहमान होने वाले हैं उनको देख के आप हिल जाओगे हिल जाओगे क्योंकि उनका जो कैरेक्टर है उसने पूरी दुनिया को हिला दिया हालांकि बहुत सारे लोग अभी भी पहचान नहीं पाते कि अरे सर आप ही थे तो मेरे सामने बैठे हैं सुरेंद्र पाल जी और किलवीश के किरदार में क्या बात है अंधेरा कायम रहे कायम रहे हमेशा <laughs> वेलकम सर वेलकम थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी कि आज आप हमारे सामने हैं शेखर जी और इंटरव्यू के लिए आए और किलविश के बारे में पूछा सबसे पहले <laughs> किलविश के बारे में तो मैंने कहा सबसे पहले आपको किलविश की जरा झलक दिखा दो झलक दिखला दो कायम रहे रह अंधेरे ने, ने एक ऐसा क्रिएट किया पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड वाइड कि जितने भी छोटे बच्चे थे जो छोटे छोटे थे मेरे ख्याल से ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने शक्तिमान नहीं देखा होगा देख और, <laughs> और उसके बाद ऐसा भी कोई बच्चा नहीं होगा जो जिसने बचपन में ना खाई हो अपने ये प्रोग्राम देखते वक्त शक्तिमान के लिए और ऐसा भी कोई आदमी नहीं होगा जिसने अंधेरे को नहीं देखा होगा बिल्कुल और ऐसा भी कोई बच्चा नहीं होगा जिसने शक्तिमान की तरह वो घूमने का ट्राई ना किया यस की तरह वैसे अंधेरा का ना बोला होगा ऐसा भी कोई शक्तिमान नाज तक तुमने मेरा <laughs> असली चेहरा नहीं देखा आज मैं तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाता हूँ यस और आज आप माय पॉडकास्ट में शेखर राय में असली चेहरा देख रहे हैं सो so, सर बहुत अच्छा लग रहा है मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है व्हेन आई कॉल्ड यू अप मुझे ये लग रहा था मैं कहा यार मतलब बुला भी लेंगे <laughs> टाइम दे देंगे सो so, ये बहुत ज्यादा मेरे लिए वो था कि मुझे लग रहा था कि पता नहीं यार बुलाएंगे भी कि नहीं लेकिन आपने बड़ा बड़ा वेलकमली मुझे जो है मैं मैं कल ही आया था मैं कल आगरा गया हुआ था वहाँ केरला के गवर्नर आए हुए थे आरिफ मोहम्मद खान साहब उनके द्वारा ब्रज रत्न अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया से? था डेट इज़ ए वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड इन दैट ब्रज में उनके लिमिटेड से लोग थे जी। दस लोगों को उन्होंने ब्रज रत्न का अवार्ड दिया था उसमें से एक मैं भी था वो करके मैं रात में तीन बजे की फ्लाइट से आया था दिल्ली से और आ, आज आपका मैसेज <laughs> आया था तो मैंने कहा आ जाइए बिल्कुल अवार्डो तो <laughs> तो एक, एक का एक पक्ष है एक, okay. जब से महाभारत शुरू हुई है आज करीब थर्टी सेवन ईयर्स हो गए हैं महाभारत को टेलीकास्ट हुए तब से तो कम से कम छह बोरे भर के मैं अवार्ड को आ, घर से बाहर निकाल चुका हूं क्योंकि अच्छा। अगर हम अवार्ड ही भर, भरते रहेंगे तो मुझे लगता है कि मेरा एक कमरा जो है वो अवार्ड से ही भर जाएगा और ज़्यादा शो ऑफ करने की मुझे आदत नहीं है मैं तो बहुत लो प्रोफाइल वाला आदमी हूँ और मुझे नहीं लगता है कि आ, बहुत ज़्यादा अवार्ड्स जो हैं अच्छे लगते हैं कहते हैं ना लव मी लिटिल बट लव मी लॉन्ग क्या वार्ड़? वो वाली कहावत है मेरी छोटे से रखो अवार्ड्स अच्छे वाले रखो हाँ ऐसे तो सड़क पे खड़े होके खड़े हो जाओगे तो दस लोग अवार्ड देने के लिए आपको तैयार हो जाते हैं आजकल अवार्ड की वो महत्व होती चली जा रही है हर आदमी जो है अवॉर्ड लेके खड़ा हो गया है है चैनल बहुत सारे चैनल जो है अवार्ड लेकर खड़े हो गए सब अपने अपना आ, पैसा बनाने की मशीनें हैं सब मैं तो ये कहूंगा थोड़ा लेकिन जब किसी को आ, अच्छा अवार्ड मिलता है जैसे नेशनल अवार्ड है जैसे कि या, या भारत रत्न अवार्ड है या यस यस दादा साहब फालके अवार्ड है एवार्ड। इन अवार्डों से कोई सम्मानित करता है जिनका तो खुशी होती है डेफिनेटली होती है लेकिन इस तरह किसी को भी कोई अवार्ड दे दिया जाए मैं देखा है बहुत सारे अवार्ड फंक्शनों में मैं इसलिए नहीं जाता हूँ कि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने दस साल से कोई ना तो उनकी कोई फिल्म आई ना कभी कोई म्यूजिक आया ना हाँ, कभी कुछ उन्होंने कोई कम, कुछ काम किया ना ही कभी किसी में, फिल्म में उन्होंने काम किया लेकिन उनको अवार्ड दिया जा रहा है जबरदस्ती मैंने कहा आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस खत्म कर रहे हैं इसलिए मैं नहीं आऊंगा हाँ डेफिनेटली कोई सम्मान्य व्यक्ति या सम्मान्य इंसान अगर अवार्ड देगा तो डेफिनेटली जाएंगे जी और ये सम्मान सम्मान होता है सम्मान लेने हम चले जाते हैं लेकिन जेन्युइन होना चाहिए और डिग्री नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से सबसे बड़ा अवार्ड तो वो है जो आप हर एक अपने दर्शक के दिल में जो जगह बनाए हुए हैं वो सबसे बड़ा अवार्ड है आपको देखते ही सबसे बड़ा अवार्ड तो... के साथ आपको बुलाया जाता है जी जी आपकी एक अलग पहचान है जैसे जो बहुत कम लोग हैं बहुत कम शेखर कलाकार है जिनकी पहचान उनके उनके परफॉर्मेंस से हुई है बहुत कम लोग हैं मैं बताऊंगा जी, जी। जैसे गब्बर सिंह थे आ, हमारे जिन्होंने शोले फिल्म में काम किया उनकी पहचान ही गब्बर सिंह से हुई यू नो, उनका असली नाम बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन गब्बर सिंह पूरा हिंदुस्तान जानते जी। मुकेश खन्ना है उनकी भीष्म पितामा से हुई नितेश भारद्वाज की कृष्ण से हुई राम की अरुण गोविल से हुई इसी तरह सुरेंद्र पाल सिंह की भी पहचान द्रोणाचार्य से बनी है और पूरा हिंदुस्तान मुझे उसके नाम से पुकारता है उसके बाद फिर मैं जब शक्तिमान किया तो समराज कलवेश कायम रहे कायम रहे और आज भी लोग मुझे उसी नाम से जब बुलाते हैं तो मुझे खुशी होती है कि आपके परफॉर्मेंस का जो एक्ट है right. वो इतना पावरफुल था कि लोगों के दिमाग पे वो छा गया और जब छा गया तो लोग आपको उस नाम से बुलाने लगते हैं पुकारने लगते हैं करेक्ट अच्छा सर्थ. लगता है वो जो आपने समा दिया ना वो हमारी जिंदगी है <laughs> <laughs> वो हमारी जिंदगी है और हमारी जिंदगी का वो वाला हिस्सा है जो हमें सबसे ज्यादा प्यारा है अरे थैंक यू सो मच उस you. प्यारे हिस्से का जो जो उसको बनाने वाले लोग हैं उनमें से आप एक थैंक यू शेखर मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि शक्तिमान इतना आसानी से बना भी नहीं था मुश्किल था का? बहुत मुश्किल था शक्तिमान का एक तो आ, ग्राफिक वर्क इतनी एडवांस नहीं थी पहले हमारी हमारे पास टेक्निक इतनी एडवांस नहीं थी जितनी एडवांस आज है जी दूसरी बात जैसे कई मेरे फ्लाइंग शॉट थे उड़ने वाले थे हवा में उड़ने तो वो वाले कैसे करते थे और, हवा में, मैं और शक्तिमान दोनों हवा में लड़ रहे हैं। हाँ। तो ग्राफिक्स इतना नहीं था, तो हम लोगों को वायर वायर फिक्स कर करके हमें बांधे जाते थे पूरे पैर में अच्छा। कमर पे पीठ में इधर और फिर वायर के ऊपर हमें मैनुअली कुछ लोग जो थे फाइटर्स जो थे उसको खींचते थे अच्छा तो जैसे हम जमीन पे खड़े हैं तो फिर हम धीरे 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 उठते थे ओके और हमारे पे जो सारा वजन था ना हमारी बॉडी का जो पूरा वजन था ना वो हमारे वायरों के द्वारा ही वो संचालित होता था हम्म। और वायर ही हमको होल्ड करके रखते थे पूरा वायर जैसे तो कितनी देर तक हम लटके तो रहे, रहे पेनफुल प्रोसेस वेरी पेनफुल प्रोसेस लोग तो सिर्फ उसको इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे लेकिन हम उसको देखते थे दर्द के पॉइंट ऑफ व्यू से कि दर्द कितना सहते थे हम। और उसमें घटनाएं भी घट जाती थी चोटें भी लगती थी और एक बार मुकेश खन्ना जी के साथ हुआ कि जब उनको शॉट के बाद उनको जब उतारा जा रहा था वायर से तो मैनुअली उतारते थे सब लोग धीरे 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 वायर को छोड़ते थे तो हमारी जो थी वो ट्रॉली ट्रॉली के जो वो लगी होती थी उनके जो जो, चक्के, हुक्स, चक्के, होते जो हुक्स होते थे अच्छा जो व्हील्स होते थे जो चक्कियाँ लगी रहती उससे धीरे 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 करके नीचे एक बार किसी फाइटर ने के हाथ से भारी थे वजन है उनके पास तो थोड़ा सा तेजी से छूट गया तो जो छे तेजी से छूटे तो वो सीधे पाँव के बल पे आया और उनका वहाँ से जो एंकल है वो फ्रैक्चर हो गया जिसकी वजह से वो छः महीने तक बेड पे पड़े रहे छः महीने तक तो ये हादसे जो हो जाते थे ड्यूरिंग शूटिंग के दौरान जी वो लोगों को नहीं पता लगते थे लोगों ने तो देखा है, सिर्फ विमान सिर्फ उड़ते हुए देखा है। सिर्फ उड़ते, उड़ते हुए देखा उड़ते हुए देखा लेकिन उड़ते उड़, उड़ने में भी क्या टेक्निक इस्तेमाल होती थी और उसमें भी कैसे हादसे हो जाते थे किस तरह चोटें लग जाती थी हम लोगों को वो लोगों ने नहीं देखा तो वो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग ये शो करना इज नॉट ए एजी थिंग ये जो थ्रिल वाले होते हैं, होते हैं एडवेंचर्स होते हैं जिसमें एडवेंचर्स है, है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है हमारे पास लोगों को तो लगता है कि अरे उड़ा दिया क्या है वो कैमरे के द्वारा उड़ा देते हैं अरे कैमरे नहीं उड़ता है कैमरा उड़ा नहीं सकता है किसी को वो एक टेक्निक होती है जो इस्तेमाल की जाती है और उसी से हम लोगों को उड़ाया जाता है So, वो एक मुश्किल दौर आपने देखा अब तो चीजें yes, yes, बहुत 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 इजी हो गई मुश्किल नहीं लेकिन बहुत 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 उसको उसको शुरुआत देने वाले भी आप ही लोग थे आप हाँ। लोगों की टीम मुकेश सर की आप थे yes. और दोनों कैरेक्टर उस एपिसोड के सबसे बड़े कैरेक्टर्स थे दोनों के ऊपर बड़ा कुछ टिका हुआ था

उनके साथ हमने एक आ, फाइट की थी लेजर की लेजर की लेजर वाली लेजर वाली फाइट दैट वाज उसने करीब हमारे तीन दिन लिए थे तीन दिन थ्री डेज तो वो लेजर वो, कैसे क्रिएट करते थे हाँ वही मैं आपको बताना जा, जा, रहा था कि लोगों ने तो सिर्फ लेजर देखा निकल रही है और लेजर से <laughs> हम लोग अटैक कर रहे है मार रहे हैं एक्चुअली वो जो था वो एक बीम थी ओके हाँ जिसको हम लोग ड्यूरिंग पोस्ट प्रोडक्शन वो क्रिएट करते थे और ऐसे हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था हमारे हाथ में एक हत्ता दिया था लकड़ी का वो हाँ। और उससे हमने जैसे अगर उन्होंने कहा कि आपने अटैक किया और हाँ। उन्होंने अटैक किया तो हम उतनी ही दूर लाएंगे उसको जितनी दूर से हम लोग एक दूसरे को दबा रहे हैं लेजर से लेजर टकरा लेजर रही है और दोनों दबा रहे हैं एक दूसरे को तो वो टेक्निक बड़ी इस्तेमाल करनी पड़ती थी और हर चीज को हम लोगों ने परफेक्शन के साथ करना होता था अगर ज्यादा कर लिया तो खराब हो जाएगा क्योंकि वो जो है।, है वो जो है ग्राफिक्स में जाकर उसको बना नहीं पाएंगे वो लोग ग्राफिक वाले भी ग्राफिक वाले उतना ही बना सकते हैं अगर टेक्निक सही सही है सही है तो ऐसा कितनी बार हुआ सर कि आपको दोबारा दोबारा फिल्माना बार। पड़ा कि नहीं वो, वो नहीं है चीज या लेकिन हम लोग जो थे सर भी जो थे हमारे विक्टर सर जो थे वो भी बहुत अच्छे एक्टर uh, थे और बहुत अच्छे समझदार एक्टर थे और काफ़ी उनको भी नॉलेज थी और हम भी काफ़ी समझदार थे हम दोनों ने मिल बड़े प्लान करके जो फ़ाइट के जितने एक्शंस थे वो हमको फाइट मास्टर बताता था हम लोग करते थे और फिर साथ में इस चीज़ का भी ख्याल रखते थे कि हम लोग जो दोनों हैं मुक्का मुक्की नहीं कर रहे हैं बल्कि लेज़र से लड़ रहे हैं और एक दूसरे से और लेज़र और लेज़र जो थी हमारी जो है पूरी की पूरी Uh, पूरी स्क्रीन पे दिखेगी वो राइट 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 उसका जो एक बड़ा रूप है वो वहां पे नजर आएगा और दैट वाज अ वेरी गुड फाइट वन ऑफ द बेस्ट हाईलाइट आई कैन से शक्तिमान में अगर कोई फाइट थी तो वो, तो वो, लेजर, वो वाली थी। लेजर वाली लेजर वाली फाइट थी हाँ। क्योंकि वो बहुत नया था सब कुछ और उससे पहले वो चीजें हमने कहीं कहीं देखी नहीं थी अगर मैं जनरेशन की बात करूं तो सर आपने हर एक जनरेशन को सर्व किया है सो so, अगर मैं मेरे पेरेंट्स की बात करूं तो वो अग, मेरे पेरेंट्स में पे कोई बैठा होता मेरी फैमिली में से तो वो आपसे महाभारत की बात कर मैं बैठा हूं तो मैं शक्तिमान की बात कर रहा हूँ अब मुझसे कोई छोटा आएगा तो वो पूछेगा शक्तिमान फिर से कब आ रही है और उसमें तमराज किलवेश के किरदार में क्या आप ही हैं <laughs> सच so बड़ा सवाल हॉलीवुड में ये फिल्म बहुत जल्दी बनने वाली है मुकेश खन्ना जी पूरी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए और हॉलीवुड के कोलोबरेशन के साथ ये बनेगी फिल्म Correct. इंडिया और हॉलीवुड दोनों मिलके और इसका बजट भी बहुत बड़ा बजट है करीब सेवन हंड्रेड करोड़ का है सेवन हंड्रेड करोड़ का बजट है इस फिल्म का और तलाश जारी है अभी तक फाइनल नहीं है प्ले द शक्तिमान और हु प्ले द किलविश ये भी अभी तक फाइनल नहीं हो पा so, फाइनल मुकेश खन्ना जी को कह दिया है कि देखिए किलविश तो मैं ही करूंगा हाँ। किसी मेरे, पे अलावा, आपने कहा था। मेरे अलावा और कोई इस रोल को उतना जस्टिफाई नहीं कर पाएगा जितना जस्टिफाई मैं कर सकता हूँ क्योंकि क्योंकि जी। होती है अब ये डिपेंड करता है वो जीरोक्स कॉपी पचासवीं है या सौवीं है करें मतलब करें। कहने का अर्थ है कि वो कितना खराब करता है उससे भी खराब कर सकता है या उससे भी खराब कर सकता है लेकिन किलविश की जो अपनी वो है आइडेंटिफिकेशन वो सुरेंद्रपाल से ही होती है जी और अगर वो करेगा तो डेफिनेटली उसमें चार चांद लगेगा क्योंकि वो फिल्म जो है आज के युग की बन रही है और आज के समय की बन रही है तो उसका जो ग्रेंजर है वो अलग होगा और ग्राफिक्स जो होगी वो अलग होगी और शक्तिमान अलग होगा और डेफिनेटली देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आज भी बुढ़ा नहीं हूं <laughs> बिल्कुल ये बात सही है सर अपने लुक जो है और किलविश का जो लुक चाहिए वो तो अभी भी मेंटेन है और भी खतरनाक बन जाएगा और सारे मैनरिज्म जो थे उसमें जितने भी मैंने किए थे उसके बाद लोगों ने उसकी कॉपी करनी शुरू कर दी थी लेकिन आ, हमें इसके मैनरिज्म कहीं देखने को भी नहीं मिले थे कहीं भी नहीं थे स्टार वगैरह जो हमें मुकेश खन्ना ने हमको स्टार दिखाई थी जी। उस वक्त हमने देखा था हुड्डा लगाया हुआ था जो विलन है वो हुड्डा लगाया था उस वक्त उन्होंने हुड्डा लगा के हमारे साथ किया था लेकिन मैंने यही कहा था मुकेश को मुकेश हमारा जो कल्चर है वो रावण और राम रावण और कंस वाला है हमारे यहाँ जो विलेन है जी वो रावण की तरह होगा हा, 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 करने वाला होगा या कंस की तरह होगा लाउड एक्टिंग जिसे कहते हैं आप करेक्ट वो इस तरह का होगा उसको सटल एक्टिंग जो है हमारे हॉलीवुड में लोग समझते हैं हिंदुस्तान में लोग नहीं समझते हु, तो इसको जो है इसका हुड्डा हटा दो हु. और इसको सामने लाओ पब्लिक के ताकि लोगों को ये पता लगे कि ओ माई गॉड अच्छा तो ये किलविश है अच्छा ये है ऐसा है इसकी नाक ऐसी है इसकी भवे ऐसी है इसके बाल ऐसे हैं, इसका चेहरा ऐसा है और चेहरा भी इतना खतरनाक है और उसके हाथ ऐसे हैं, नेल्स बड़े बड़े लगे हुए हैं उसमें और वो हमेशा ही ये कैसे आया सर ये कैसे आया ये है? एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है जी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा हमारे डायरेक्टर जो थे कुकू खन्ना जी थे ओके okay. वो सुभाष गई जी के चीफ असिस्टेंट थे और hmm. यहाँ पर फुल फ्लजेड डायरेक्शन कर रहे थे okay. और हमारे मनोज सोनी करके हमारे कैमरामैन थे थे okay. जो आज बहुत बड़े कैमरामैन बन चुके हैं तो हमने कहा कुछ एक अलग कुछ क्रिएट किया जाए ओके okay. मैंने अपने डायरेक्टर से सजेशन लिया तो कुकू जी बोले क्या करोगे क्या करना चाहते हो तुम मैंने कहा सर शक्तिमान का कुछ अलग होना हम्म कुछ एक अलग उसकी अदाएं होनी चाहिए कुछ एक अगर वो बैठा हुआ भी है तो बैठा बैठा स्टेल हो जाएगा वो तो। करेक्ट। और उसके जो कपड़े हैं वो इस तरह के हैं कि हमने अंदर अपने को मोटा दिखने के लिए हमने उसके अंदर रुई का वो बांधते थे पट्टा बांधते थे ताकि हम थोड़ा मोटे लगे तगड़े लगे भी लगे तो मुझसे पूछने लगे क्या करना चाहते हो तो? तुम मैंने कहा तो तो इंस्टेंट आया। तो मुझे यो दो मिनट तक यू बैठ के देखते रहे बोले ठीक है करो अच्छा मनोज सोनी को कैमरा को बुलाया बोले मनोज इधर आ कुछ ऐसी लाइटिंग करो तुम कि चेहरे पे एक काला काला सा वो दिखे यू नो ऐसे हाथ आ रहा है तो वो ऐसे उसकी शैडो परछाई हाँ, उसकी मुंह पे धरे और थोड़ा खतरनाक लगे हम्म थोड़ा डेंजरस लगे ताकि लोग जो है डरे खिलविश कुछ इस तरह का करो उसने फिर उस तरह की लाइटिंग की ओके हाँ, तो उसने बोला कि आप जो है लाइटिंग में हाथ को यूं घुमाओ नीचे से ओके ऐसे तो एक हाथ मेरा ये घूमता था एक हाथ मेरा ये घूमता था अच्छा दोनों मेरे <laughs> एक साथ चलते थे <laughs> क्या बात है? अब लोगों को इतना पसंद आया वो अंधेरा जो उसके मुंह पे छाता है और वो यूं कर रहा है तो बच्चों को बहुत लगाव था और बच्चों को मेरे हिसाब से मुझे लगता है काफी पसंद आता हम था भी भी करते होते थे थे। प्ले बना के ना जाके और मेरे तो जो फैंस आते थे वो मुझसे कहते थे हम आपके साथ नॉर्मल पिक्चर नहीं खिंचवाना चाहते हाँ। है आप किलिश बन के खड़े हाँ, 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 हाँ आपके साथ को पॉपुलर किया करेक्ट उसने बच्चों के दिमाग में एक पहचान बनाई उसकी और किलविश की एक पहचान पूरे हिंदुस्तान में बनी और बच्चों के दिलों पे ज्यादा बनी और मेरे ख्याल से जो बच्चे छोटे रहे थे उनको Uh, सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन किलविश को नहीं भूल सकते हैं ना नहीं ही नहीं शक्तिमान भूल को भूल सकते हैं बिल्कुल उनके दिलो दिमाग पर ये छा uh, गया था फ्लाइंग हीरो जिसे कह सकते हैं एग्जैक्टली सर इंडिया फर्स्ट फ्लाइंग हीरो और उधर विलन हाँ और, और इसका श्रेय मैं देखिए मुकेश खन्ना जी को भी दूंगा उन्होंने भी बहुत मेहनत की है बहुत लगन के साथ काम किया है उनकी इमेज एक महाभारत के पितामह भीष्म जैसी हो चुकी थी तो लोगों ने सोचा नहीं था कि ये आ, जो है इस तरह का गंगाधर बनके एक कॉमेडी में कर करेंगे, करेंगे। करें और यूं करके ज़ुब 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 करके गायब भी हो जाएंगे ये सब लोगों ने नहीं एक्सपेक्ट किया था मुकेश कन्नड़ जी और जब लोगों को ये एक रूप देखने को मिला तो लोगों को बहुत अच्छा लगा मुकेश अब मुकेश के अपोजिट में किविश ने भी कुछ हंगामा शुरू किया अंधेरा हाँ, <laughs> तो ये सब जो चीजें हैं जो जो एक्शन एंड रिएक्शन व्हाट इज एक्टिंग एक्टिंग इज नथिंग आप कर रहे हैं मैं आपको रिएक्ट कर रहा हूँ करेक्ट एक्शन रिएक्शन इज एक्टिंग और मुकेश जी इतना अच्छा करते थे तो मैं भी मुझे भी मजा आता था करने में Correct. मैं भी उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर करता था तो सम ये हमारी जो जोड़ी थी वो हिट हो गई थी। ये बहुत अमेजिंग थी <laughs> सर एक चीज अगर उस टाइम पे मीम्स बनते होते जैसे आज मीम्स बनते हैं <laughs> तो किलविश पे क्या क्या मीम्स बनते हैं हम एक एक थॉट लेते हैं सो so, मतलब अगर आज के टाइम पे किलविश का मीम बनेगा तो मैं ये सोचता हूँ कि आधार कार्ड के ऊपर किलविश की फोटो <laughs> 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 अच्छा आप एक सजेस्ट कीजिए क्या मीम हो सकता है सर <laughs> आ, आ, ये भी हो सकता है कि जो जो आतंकवादी वहां से आ रहे हाँ। हैं पाकिस्तान से वो किलविश बन के चले आ रहे सारे सारे के सारे हाँ। काले होके हो और, और 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 उन, उन, उनको जो है हमारे हमारे बहादुर जवान जो है उनको गोली से जो है उड़ाए तो आ, अंधेरा कायम है।, है और है? वो कहें इस देश में अंधेरा नहीं इस देश में उजाला ही उजाला हो उजाला ही उजाला बहुत अच्छा सर मैं मीन की ये बात कर रहा था ए, वो टाइम एक अलग था अलग तरीके का था आज का टाइम बहुत डिफरेंट है और आज जो यूथ है लेकिन आज का यूथ भी शक्तिमान किलविश की वेट कर रहा है कॉन्स्परेसी थ्योरीज सामने आती रहती हैं कई बार ऐसी चर्चाएं हो चुकी क्योंकि प्रोजेक्ट काफ़ी डिले भी हुआ काफ़ी देर से वेट हो रही है उसकी बात बीच बीच में ये भी आई कि रणवीर सिंह करेंगे फिर बीच में ये भी आई कि रणवीर सिंह से कहीं ना कहीं मुकेश खन्ना जी नाराज़ हो गए हैं उनका कुछ एक फ़ोटोशूट भी ऐसा आया था उसको देख के वो काफी उन्होंने कहा शक्तिमान ऐसा नहीं है उसकी एक मर्यादाएं हैं हाँ। तो, तो आप है। इतना इतना सीरियस थे अपने किरदारों को लेके कि वो आप एक ऐसे एक्टर को कोई किरदार भी नहीं देना चाहते शक्तिमान के किसी उसका कि जो उस किरदार में पर्सनल लाइफ में भी उसमें फिट ना बैठता हूँ जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं देखिये महाभारत में भी बहुत सारे लोग थे रामायण में भी विलन था महाभारत में भी विलन था जी, जी। और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार थे और ऐसा नहीं था मुकेश खन्ना के पास एक्टरों की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट थी मुकेश किसी को भी ले सकते थे के? और लेकिन मुकेश का एक पर्टिकुलर दिमाग था उनके पास वो अपनी चीजों को इजिली कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होते थे वो अभी और, भी है हाँ और आज उन्होंने कहा कि यार मुझे किलविश का रोल एक आदमी कर सकता है मैंने कहा कौन कहते हैं हिंदुस्तान में एक ही एक्टर है जो कर सकता है कौन बोले अमरीश जी और मैं पुरी जी के पास जा रहा हूं उनसे बात करने और वही करेंगे किलविश क्योंकि वो इतना क्यों अनयूजुअल कैरेक्टर है कि वो कोई कर ही नहीं सकता है। करेक्ट गए अमरीशपुरी जी के पास अमरीशपुरी जी फिल्में बहुत ज्यादा कर रहे थे और उनके पास समय का अभाव था इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि मैं टेलीविजन अभी नहीं करना चाहता हूं, मुकेश और उन्होंने मना कर दिया तो मुकेश जी आ गए अब उनको कोई किलविश दिखता ही नहीं था किसी एक्टर में वो काबिलियत नहीं दिखती थी वो इंटेंसिटी नहीं दिखती थी वो मैनरिज्म नहीं दिखते थे वो जो चाहते थे कि किलविश कुछ ऐसा हो कुछ ऐसा हो ऐसा हो करे तो मैंने मुकेश जी से कहा मुकेश जी आप जब तक अच्छा मेरी इमेज जो थी बड़ी सॉफ्टी <laughs> इमेज थी द्रोणाचार्य की इमेज थी और उसके बाद चाणक्य किया था मैंने ऑडियंस भी वैसी और वो बहुत कैरेक्टर था मैंने चंद्रकांता किया चंद्रकांत चंद्रकांत कहने का अर्थ यह है कि मेरी जो थी सारी भूमिकाएं जो थी सॉफ्ट वाली थी जी और उनको चाहिए था खूंखार जबरदस्त एप्रन वगैरह लेके चलने वाला अपना काला वाला जो ओढ़ा रहता है वो और उड़ता है पूरी उड़ता तरह से और उसकी आंखों में एक फायर चाहिए तो उनको आग निकल रही है साली आंख में तो मैंने कहा कि जब तक तुम किसी को दोगे नहीं तो कोई करेगा कैसे तो प्रूफ कैसे करेगा? प्रूफ कैसे करेगा हाँ। तो मुझसे बोलते हैं क्या करोगे तुम अच्छा क्या करोगे बताओ, बताओ। मैंने कहा हाँ तो करो ठीक है You, you, you are doing it. Okay. फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क किया hmm. मैंने एक आर्टिफिशियल नोज लगाई hmm. उसके लिए मैंने मेकअप मैन से बात किया उसने आर्टिफिशियल नोज बनाना भी आ, नाक के ऊपर यू नो मेकअप करना इज नॉट दैट इजी यू नो उसको चिपकाना आर्टिफिशियल hmm. hmm. नाक लगाना इट नॉट एजी थिंग यू लगा के नाक लगाई मैंने फिर आंख लगाया है, फिर मैंने व्हाइट मेकअप किया वाइट मेकअप टेलीविजन पे चलता नहीं था मैंने कहा मैं मेकअप करता हूँ हॉलीवुड की उसमें व्हाइट मेकअप किया हुआ उसमें। और उसने आंखें वाखे बिल्कुल किलविश जैसी उसने किलविश को ही कॉपी किया है क्योंकि उसने सब बिल्कुल वैसे ही किया तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग जो है वो हॉलीवुड की चोरी करते हैं हॉलीवुड वाली भी बॉलीवुड की चोरी करते हैं उन्होंने भी चोरी की उन्होंने हमारे पूरे मैनरिज्म निकाले हैं पूरे मैनरिज्म उन्होंने शक्तिमान को देखने के बाद उसका जो विलन है उसके तरह मैनरिज्म करके वो जोकर फिल्म में विलन को डाला था करेक्ट और हमने भी फिर धीरे 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 वर्कआउट किया है इसके ऊपर ये लगाएंगे आँख को चेंज किया मेरा मेकअप मैन ने मुझे बहुत हेल्प की गणेश नाजरेकर करके था उस okay. लड़के ने बहुत मेहनत की मेरे बहुत साथ। कुछ चेंज किया था हाँ, बहुत कुछ चेंज किया उसने हेयर स्टाइल चेंज की उसने पूरे बालों को आगे से लाया कर ली कर ली मैं उन दिनों खुदा गवाह फिल्म करके आया था अमिताभ जी अच्छा अच्छा। तो अमिताभ जी का एक विक पड़ा हुआ था कर ली कर ली बालों वाला ऐसे वाला थोड़ा सा रफ सा था रफ हो गया था रफ हो गया मैं उस विक को लेकर आया उसको उसको मैंने काट कूट के थोड़ा सा उसमें वेरिएशन चेंज किए हैं काफी चेंजेस किए मैंने राइट right. और फिर मैंने थोड़ा सा बॉडी को अपना पतला ना लगूं बहुत ज्यादा वो हम देखते हैं कैसे लाइक वो लगाया स्ट्रॉन्ग बॉडी लग रही है लेकिन लोगों को ये शायद नहीं दिखता होगा कि जब मैं 16 घंटे वो वो जो हमारी टनल थी जो चांदीवली स्टूडियो में थी हमारे पास जी।, जी. उसके अंदर जो मशालें लगाई जाती थी चारों और उसका जो धुआं निकलता था वैसे भी घासलेट का धुआं जो है वो हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं थी और आ, उसमें हम बारह बारह सोलह सोलह घंटे बैठे रहते थे अंदर अच्छा और वो आगे जलती थी और इतनी गर्मी होती थी एक तो हमारे ड्रेस ऊपर से गद्दा लगा लगाया हुआ ऊपर से मेकअप इतना हैवी ऊपर से नेल्स लगे हुए हैं नेचुरल कॉज की भी प्रॉब्लम हो जाती थी हमें कि नेल्स निकालें कैसे ज़िप खुलता नहीं था यू you नो know, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने फेस की उस दौरान में लेकिन फिर हमने वही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जो इंसान मेहनत करता है और जो संघर्ष लगातार करता है संघर्ष करने वाले को उसकी मंजिल मिलती ज़रूर वो प्यार आज तक मिल रहा है हाँ वो प्यार मुझे आज तक मिल रहा है शेखर जी आप भी आज नहीं हमारे सामने होते अगर मैं किलविश नहीं होता <laughs> <laughs> हमारा बचपन वैसा ना होता सर आप किलविश ना होते तो <laughs> सो बहुत अच्छा और आज जान के अच्छा लग रहा है कि आप कैसे पर्सनल एफर्ट्स के साथ उस चीज को खूबसूरत बनाने के लिए ताकि हमारे लिए वो प्रेजेंटेबल हो हम इंजॉय कर पाए आपने कितना कुछ सहा होगा हाँ। और उस किरदार किरदार को ये कितना बड़ा बनाया अपनी पूरी मेहनत से। <laughs> अगर मैं शुरुआती दौर की भी बात करूं, स्ट्रगल जो है वो पहले तो इस इंडस्ट्री में अपने आपको और उसके बाद भी स्ट्रगल चलता रहता है लाइफ ही शायद ऐसे है लेकिन फिर भी शुरुआती दिनों की बात करूंगा जब आप आए फिल्मों में आपने शुरुआत की टीवी के ऊपर आप इतना ज्यादा शाइन कर गए कोशिश तो यही थी दिल तो यही चाहता था फिल्मों में काम करना है सो so, वो एक टर्न था जो या उस समय का जो संघर्ष था मैं थोड़ा जानना चाहूंगा वो 80's का दौर स्टार्टिंग में मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी भी आपको उस बताना चाहता हूँ जो शक्तिमान से जुड़ी हुई है okay. जैसे बच्चों का वो प्यार है वो बच्चों का मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के हर बच्चे का वो प्यार था जो मुझे मिला है शायद उस रूप में और आज मैं अमेरिका लंदन कहीं भी जाता हूं तो लोग मुझे द्रोणाचार्य से कम और किलविश किल, से, से ज़्यादा पहचानते हैं क्योंकि वहाँ इंजीनियर्स डॉक्टर पढ़ा लिखा जितना क्लास है वो बचपन में शायद उन्होंने शक्तिमान को ज़्यादा देखा है ज़्यादा देखा मेरी बेटी थी दो साल की शिवांगी ओके जिसे हम बड़े प्यार से झुमकी बोलते थे दो साल की थी और मेरा बेटा था करीब चार साल का चार साढ़े साल का जी मेरी बेटी जो थी झुमकी जो थी उसे शक्तिमान जरूर देखना है अच्छा हाँ और वो डरती भी थी बहुत हाँ। जब किल्विश आता था किल्विश आता था हाँ। तो क्या दीदी पता था कि हाँ, आप ही हो हाँ उसको तो मालूम था पापा हैं मेरे पापा हैं लेकिन जब वो बच्चे छोटे बच्चे हैं जब वो टीवी की तरफ देखने लगते हैं बैठ के तो वो टीवी में पूरी तरह से खो जाते हैं तो उनको लगता है हाँ अच्छा अरे किलविश आ गया तो जब वो देखती थी <laughs> मुझे हंसी आ रही है बताते कि वो चादर ओढ़ लेती थी पूरी करके अच्छा और डरती रहती, रहती, रहती थी डरती रहती थी और देखती रहती थी चादर के पूरी देखती रहती थी तो मैं कहता था कि जब तुझे डर लग रहा है तो क्यों देख रही है तो कहती चुप रहो पापा चुप रहो पापा चुप रहो बोलो मत मुझे देखने दो और वो उसको बैठ के देखती थी और उसका भाई जो था साढ़े चार हाँ, साल का हाँ. वो उसका देखा देखी वो भी चादर ओढ़ के देखता था <laughs> उनको लगता था कि हम बैठ के देख रहे हैं तो यहाँ कोई आएगा नहीं हमारे को ये, पकड़ने ये, के लिए नो, वो। और, और कई बार वो देखते देखते डर भी जाती थी और डर और जाती थी तो वो अः मेरी गोदी में बैठती थी, थी जी पापा की गोदी में बैठ के देखेगी हाँ। मैं पापा की गोदी में बैठ के देखेगी तो मैं उसको गोदी में लेके बैठा रहता था और चादर ओढ़ के बैठ के <laughs> तब भी चादर ओढ़ के देखनी है तो, तो ये बच्चों का प्यार था बच्चों का वो था और ऐसे बहुत सारे लोगों के पास किस्से होंगे अरे कमेंट करके बताइए आप शक्तिमान <laughs> कैसे देखते थे और लफिश को कैसे देखते थे और कितना डरते थे ना कमेंट करके बताना चाहिए लोगों को जी जी तो मैं uh, जी, 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 so था, तो सुबह से ये टेंशन चल रही थी की छुट्टी कैसे करनी है <laughs> 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 तो छुट्टी कैसे करनी है क्योंकि वो टाइम और रखा गया था साढ़े बारह बजे आना सैटरडे को आना है तो उस दिन फिर क्या स्कूल तो जाना ही था, था।, था। हाफ डे होता था वैसे सैटरडे को तो हमें था कि टाइम पे पहुंचना है तो टाइम पे पहुंच के उस दिन मुझे याद है कि मैंने सुबह से ही स्कूल जाते ही बहाने बनाने शुरू कर दिए थे टीचर के पास फीलिंग गुड हालांकि फर्स्ट एपिसोड था yes, yes, उसके जो yes, ट्रेलर्स पहले चले थे हाँ। जो डीडी वन पे तो वो पहले से ही पता चल गया था कि कुछ अच्छा होने वाला है जबरदस्त होगा कुछ जबरदस्त होने वाला। वो ऐसे ऐसे घूमते हैं शक्तिमान तो उसी को देख के तो वो फर्स्ट एपिसोड बहुत इम्पोर्टेंट था और वहां से देखा फिर तो आगे शुरू ही हो गया फिर वो संडे का टाइम भी कर दिया गया जब पता लगने लग गया बहुत सी कहानियां हैं सॉरी शक्तिमान चला है ना किलविश से डरना बहुत अच्छी अच्छी बड़ी एक यादें हैं जिंदगी की हमारे साथ आज मेरी बेटी काफी बड़ी हो चुकी है अट्ठाईस साल की हो चुकी है जी। और तब मैं उसको बोलता भी हूँ तेरे को शक्तिमान याद है हाँ। कहती है हाँ पापा याद है और मैंने कहा तुझे ये भी याद है तू बहुत डरती थी नहीं, हाँ पापा मुझे याद है लेकिन मैं कहता था जब तू डरती है तो देखती क्यों है देखती क्यों मत देखो टीवी मत देखो तो वो मुझे डांटती थी नहीं मैं देखेगी मैं देखेगी मेरे को डांटती थी वो नहीं <laughs> अगर मैं टीवी बंद कर दू ना तो बहुत जोर हाँ। से चिल्लाती थी गुस्सा करती थी बहुत कि अच्छा। कि कैसे बंद कर दिया टीवी तुमने मैंने देखना मुझे देखना मुझे देखना वो हम ऐसे ही डराने के लिए थोड़ा बंद करते थे फिर ऑन कर देते थे क्या बात तो देखती थी तो बच्चों के लिए बड़ा पॉपुलर था ये बहुत सारी यादें हैं हमारे जी जीवन की जो हमारी शक्तिमान के साथ जुड़ी हुई हैं और उस शो ने भी कमाल कमाल किया जी मैंने सर वो क्योंकि आपको ये किस्सा भी याद आया बट मैं एक आ, एक्टिंग के शुरुआती टाइम को भी जानना चाहता हूँ क्योंकि आते हैं बहुत सारे लोग आते हैं आ, हमें कुछ अचीव करना है लेकिन इतनी बड़ी कामयाबियाँ कि किरदार याद हो जाएं और वो भी एक नहीं दो नहीं मतलब आपके पास सीरीज़ है ऐसे किरदारों की जहाँ पर यादगार किरदार दिए आपने तो वो संघर्ष क्या था और कैसा सा था मुंबई ऐसा ही था या कुछ और था कुछ बदला शेखर मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको जी। कि जैसा कि हम फिल्मों में देखते थे ये सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ सच्ची घटना बता रहा हूँ जैसा हम फिल्मों में देखते थे पहले कि एक आदमी आया बंबई में डंडे में उसने पोटली बांधी हुई है हाँ हा। और वो फिर पानी पीने के लिए पंप के पास गया वो पानी पीने लगाइयों करके

दो ठग मिले थे अच्छा हमने एक गाड़ी खरीद ली थी आगे जो हम अपनी स्ट्रगल उससे कर लेते थे सस्ती सी थी थी फियर, ओके फियर्ट गाड़ी फियर्ट गाड़ी, थी। गाड़ी तो हमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस मुंबई में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं जी ऐसा नहीं है यहाँ किलविश भी है और यहाँ शक्तिमानी तो शक्तिमान हमें ऐसे ही किलविश मिल गए थे तो दो भाई थे एक का नाम था निखिल सैनी और दूसरे का नाम था दूसरे का नाम मुझे मैं अभी भूल रहा हूँ ओके हाँ दो भाई थे और अपने आप को डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोले एक एक भाई जो था उसने बोला मैं प्रोड्यूसर हूँ एक मैंने बोला मैं डायरेक्टर हूँ जी हम नए नए आए थे हमें ज़्यादा पता नहीं थे बोले हम तुम्हें तुम तो देखने में बहुत अच्छे लगते हो हु, हीरो जैसे लगते हो हम तुम्हें हीरो का ब्रेक देंगे लेकिन तुम्हारी ये जो गाड़ी है हाँ। ये तुम्हें गिरवी रखनी पड़ेगी अच्छा मैंने कहा क्यों कहें पंद्रह हजार रुपए की जरूरत पड़ेगी हमें उन अच्छा। रुपए बहुत थे बहुत माने रखते हाँ। रूपए रख तो हमें अपने जीवन में बहुत बड़ा भविष्य नजर आने लगा हीरो का रोल <laughs> आते ही मिल गया हमने कहा चलो गिरवी रखनी है बोलने लगे बस गिरवी आप यू समझिए कि ये थोड़े दिनों के लिए रखनी है आपने और एक महीने के बाद आप उसको वापस छोड़ा लीजिएगा हम पैसे दे देंगे आपको ये उधार है हमारे ऊपर बातें मीठी मीठी करने वाले लोग भी बड़े मिलते हैं सर हमने बोला जी जी ठीक है हम सीधे साधे आदमी यूपी के दे दी हमने उनको गाड़ी उन्होंने चंबूर के पास एक होटल था उसके एक मालिक थे उसको जाके गिरवी रख दी गाड़ी अच्छा पंद्रह हजार रुपये ले लिए उन्होंने निखिल सैनी ने और प्रदीप सैनी यस अच्छा भाई का नाम याद आ गया जी जी और उन्होंने फिर हमें हमारे साथ बहुत बड़ी चीटिंग हुई फिल्म विल्म तो क्या बननी थी गाड़ी तो, तो पैसे लेके भाग गए दोनों अच्छा। के दोनों साले हाँ। अब वो आदमी जो था अब मुझे ये तो पता था कि भैया ये होटल वाला है बहुत बड़ा है वो तो बहुत बड़ा डॉन था जिसके पास रखे आए थे अच्छा जिसके पास गाड़ी गिर भी थी तो मैंने उसको जाके हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि गाड़ी दे दीजिए छोड़ दीजिए मैं हर हर महीने आपको एक हजार रुपया दे दिया करूंगा अच्छा लेकिन वो इतनी लंबी हजार रूपए का लाना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी लेकिन भगवान की थोड़ी सी मेहरबानी रही कि कुछ एड वगैरह अच्छी मिल जाती थी जिनसे हमारा निकल जाता था थोड़ा खर्चा वर्चा निकल जाता था देखने देखने में अच्छे थे लंबाई चौड़ाई अच्छी थी तो ऐड में कुछ एड अच्छी अच्छी मिलने लगी थी अः तो फिर हमने अपनी गाड़ी करीब डेढ़ दो साल बाद अच्छा छुड़ा लिया डेढ़ दो साल लग गए हाँ डेढ़ दो साल लग गए लेकिन जैसे मैं आपको ये किस्सा इसलिए बता रहा हूं कि बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं लोगों को जब बम्बई आते हैं यहाँ बड़े चीटर भी मिलते हैं बड़ी एजेंसियाँ खुली हुई हैं यहाँ पे जो कहते हैं हम आपको काम दिला देंगे आप इतना पैसा हमको दे दो ये दे दो वो दे दो इस तरह की झूठ के बीच में ये शहर जो है रहता है आ, और यहाँ बहुत सारे लोग लड़कियों को यंग लड़के आते हैं बेचारे बहुत सपने लेकर आते हैं और सपने जब उनके यहाँ हमने टूटते हुए देखे हैं यहाँ पे लोगों को और बहुत कुछ लोग तो लाखों करोड़ों रुपए भी यहाँ लुटा के चले जाते हैं तो ऐसा होता है मुंबई में अक्सर ऐसा हो जाता है लोगों के साथ और आज हम देखते हैं लोखंडवाला में कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ रोज आना है, स्क्रीन टच चलता रहता है अच्छा रोज आना है स्क्रीन टच आप मोबाइल खोलेंगे आपको दस ऐड दिख जाएंगी उसमें जिसमें बोलेंगे आ, हम फिल्म बना रहे हैं हम सीरियल बना रहे हैं उसमें ये चाहिए उसमे बीस साल का लड़का चाहिए बाईस साल की लड़की चाहिए पच्चीस साल का लड़का भाभी चाहिए ये चाहिए वो एज ग्रुप हर एज ग्रुप के बारे में लिख देते हैं तो तो जब वो वो लो लोग उनको अप्रोच करते करते हैं हैं तो तब उनसे पैसों की डिमांड और इस तरह से तो ये एक धंधा बना लिया धंधा बना लेते हैं लोग इसको तरह हम भी अपने बिखरे हाँ सपने बिखर जाते हैं लोगों के यहाँ पे और हमारे साथ भी कुछ इस तरह का हादसा गुजरा लेकिन फिर एक हादसे के बाद हम थोड़ा सा संभले हमने कहा कि ये पैसे वैसे का लेन देन इसका मतलब जो लोग पैसों की बात करके आपको काम देते हैं वो लोग बिल्कुल फ्रॉड हैं और झूठे हैं आप उन पर बिल्कुल विश्वास ना करें जी। और वो भी उन एजेंसीज के पास ना जाए जो जिन्होंने कभी ना तो कभी कोई कास्टिंग की है ना वो है कास्टिंग के लिए प्रोडक्शन हाउसेस में कास्टिंग डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं जो आपको सिलेक्ट करेंगे जो आपका स्क्रीन टेस्ट लेंगे वही लोग जेन्यून हैं और जो लोग बाहर बैठ के जो कास्टिंग कर रहे हैं वो लोग नहीं नहीं, है वो लोग लो नहीं। नहीं। और कुछ अच्छी कंपनियां हैं जो वेब शोज वगैरह के लिए फिल्मों फिल्मों के लिए करती हैं वो अलग है फिल्में। और उनका एक नाम है उनका नाम। एक वो है लेकिन हर आदमी अगर एजेंसी खोल के बैठ जाए जैसे महाभारत का प्रसंग है जिसमें द्रोणाचार्य जी ने अंगूठा कटवा लिया था उसका क्यों कटवाया था मैं बता देता हूँ अब आपको उसका कारण यह था कि उसने कहा शिक्षा मैंने ली नहीं है मैंने शिक्षा चुराई है तो चुराने के लिए तो पनिशमेंट होगा बिल्कुल तो शिक्षा लेना और चुराना अब हमारे गवर्नमेंट ने इतनी सारी यूनिवर्सिटी बनाई हुई है जी। जिससे आप जब ग्रेजुएट करेंगे तो उसके बाद वो स्टैंप लगा के वो आपको कह देते हैं कि आपने डिग्री प्राप्त की है फलानी यूनिवर्सिटी से करेक्ट ठीक है मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री लिया लेकिन एक आदमी बोले एक्स वाई जेड कि सर मैंने भी एक यूनिवर्सिटी खोल रखी है कहना भाई आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है बोले एक्स यूनिवर्सिटी हम आपको सर्टिफिकेट देंगे तो वो जेन्यून नहीं है वो जेन्यून नहीं है तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर फिर भी कुछ और भी आपके मन में आता है तो कॉमेंट भी कर सकते हैं आ, कोशिश की जाएगी कि आप तक वो जवाब जो, जो है पहुँचाए जाए ऐसी चीज़ों के आ, सर कई तरह के जो जो ख्वाब होते हैं इंसान जब आता है तो आपने भी देखा था कि मैंने फिल्मों में रहना लेकिन एक जब टीवी की ऑफर्स आने शुरू हुई तो वो एक्सेप्ट करना आसान था आपके लिए कि टीवी में कर लूंगा क्योंकि उस टाइम नहीं ना पता था कि इतने बड़े किरदार बन जाएंगे ये जी जी, जी। तो मैं उस समय तो फिल्म के बताना चाहूंगा कि मैंने महाभारत से पहले गोविंद निलानी जी के साथ तमस् नाम का एक सीरियल किया था अच्छा हां जिसके 4 एपिसोड बने थे और बहुत अच्छे बहुत उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था और उसमें मैंने एक बड़ी अच्छी दमदार भूमिका निभाई थी एग्रेसिव था बिल्कुल बिगनिंग की स्टेज की बात कर रहा हूँ और उसके बाद महाभारत जी की कास्टिंग हो रही थी मैं घर में सो रहा था उस वक्त तो उस वक्त मुझे गुफी पेंडल जी है जो जी का फ़ोन आया कि भाई हम कास्टिंग कर रहे हैं उसमें एक रोल है उसके लिए क्या तुम आ सक नहीं रोल नहीं बोला उन्होंने उन्होंने कहा बोला क्या तुम आ सकते हो ऑफिस में मिलने अच्छा है? मैंने बोला हाँ साहब आ जाऊँगा तो उन्होंने बोला कितनी देर में आ सकते हो मैंने कहा एक घंटे में कह इसको हम आज फाइनल करना है आज ही अच्छा मैं ऑफिस पहुंचा जब तो गोफी जी के ऑफिस में फर्स्ट फ्लोर पे थे बीआर फिल्म्स आर के मैंने कहा जी बताएं उन्होंने बोला द्रोणाचार्य का रोल रह गया मेरा तो सुनते ही ऐसा लगा कि सांप सूंघ गया मुझे मैंने कहा सर बुढ़े का रोल मैं नहीं करूँगा मैं हीरो बनने आया हूं बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में और आप मुझे बुढ़े का रोल ऑफर कर रहे हैं बोले भाई रोल ही एक बचा है बाकी सारे रोल जो है फाइनल हो चुके हैं हमारे हाँ. एक ही रोल बचा है मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ भी मुकेश खन्ना जी ही थे अच्छा। जो द्रोणाचार का रोल ओरिजिनली कर रहे थे अच्छा ओके। <laughs> लेकिन भीष्म का जो रोल कर रहा था वो लड़का भीष्म का रोल छोड़ के चला गया था अच्छा। और बी आर फिल्म्स को उसी वक्त तो उन्होंने कहा कि हम मुकेश खन्ना को भी और द्रोण का रोल बाद में आएगा बीस बाईस एपिसोड के बाद हां हां हां। तो हमें एक तीन महीने तो का टाइम मिलेगा मिल जाएगा हाँ तीन महीने का टाइम मिलेगा हमारे पास क्योंकि ये सिर्फ संडे को ही टेलीकास्ट होता था तो उन्होंने कहा हमें टाइम मिलेगा हम दूसरा तब तक कोई एक्टर ढूंढ लेंगे उसके बाद ढुनाई शुरू हुई थी थिएटर थे। पूना दिल्ली मद्रास हैदराबाद सब जगह से यार द्रोण नहीं मिल रहा द्रोण नहीं मिल रहा द्रोण नहीं मिल रहा बस जब मैं आया गुफी को मिलने के लिए तो मैं ऑफिस से उठ के चला जाने लगा तो चाय गुफी बोला चाय तो पी लो चाय तो पी लो मैंने कहा नहीं चाय वाय नहीं पीने मैं उतर गया नीचे उतर गया जैसे कहते ना भाग्य ने जब लिखा था कुछ हमारे हाँ। उसमें तो वो उसको वो होनी होने हो के रहेगी जी मैं अपनी गाड़ी में बैठा गाड़ी में बैठ के स्टार्ट करके जाने लगा तब तक एक पीछे से आदमी दौड़ता हुआ है बी फिल्म्स का नौकर अच्छा उसने बोला सर 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 आपको बड़े साहब ने बुलाया अच्छा पहले डायरेक्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती थी बहुत मान सम्मान होता था डायरेक्टर की कोई ऊपर ना हा नहीं करता था मतलब डायरेक्टर ने बुलाया तो मतलब इट इज लाइक ए बड़े साहब ने बुलाया मतलब बी आर चोपड़ा था बी आर चोपड़ा तो मैंने बोला अच्छा मैंने गाड़ी बंद की और फिर ऊपर फिर चढ़ के गया फर्स्ट फ्लोर में तो उनकी कॉन्फ्रेंस टेबल थी पूरी जैसे होती ना जी बी, सामने वो बैठे थे चोपड़ा साहब बड़े चोपड़ा साहब बी आर साहब इधर डॉक्टर राही मासूम रजा धर्म अधिकारी जी। और ऐसे करके पांच राइटर भटनागर साहब ऐसे करके पाँच राइटर बैठे थे उनकी कॉन्फ्रेंस टेबल के उधर साइड में तो बोला सर वो आ गया लड़का हाँ बोला बोला तो मैं खड़ा हो गया कोने में आके हाँ। चोपड़ा साहब मुझे नहीं देखते रहे पांच मिनट तक वो मुझे निहारते रहे थे <laughs> मैं चुपचाप करके खड़ा जैसे एक बॉय <laughs> ओके। ओके सुना तो मैंने कहा ओके क्या हो गया <laughs> क्या ओके कर दिया क्या ओके <laughs> okay मैंने मतलब शायद मुझे मुझे अर्जुन का रोल देंगे <laughs> ने, ने, भाई ये तो लड़का okay okay बहुत ये अच्छा नहीं है ना मैं तो मना करके गया था कि ओके मतलब जाने दो या ओके नहीं करवा लो क्या हो मुझे क्या लगा कुछ, अच्छी चीज कुछ होगी शायद बोले हाँ ठीक है आ, कुकी को बुलाना कुकी रवि चोपड़ा सर को कुकी, अच्छा? कुकी उनका पेट नेम था कुकी। जी, जी। बोला कुकी को बुलाओ आया यस डैड यस डैड भाई ये रहे द्रोणाचार देखो देखो रवि जी रहे मुझे मेरी तब देखा ना यार लंबा चौड़ा तो था हाँ।

इतना कॉन्फिडेंस इतना विश्वास बोले ओके डैड ओके डैड करके रवि जी बाहर निकल के एग्जिट कर गया अब मेरी बारी आई थी आप सोच रहे होंगे कोई मुझसे भी पूछ लो हाँ मुझसे भी पूछ लो मैंने कहा सर, मैंने कहा सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ बोले हाँ बोलो 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 यस yes, यस yes, बोलो मैंने कहा सर मैं बुढ़े का रोल नहीं करना चाहता राही साहब मेरी तरफ पीठ करके बैठे हुए थे राही मासूम रजा चुकी शो के राइटर थे ओल्ड मैन जी वो एकदम से मुड़े और मेरी तरफ उन्होंने यूं देखा गुर्रा के <laughs> जैसे शेर बैठा होता ना वैसे शेर बैठा होता वो मुड़ा कहते क्या बोला बुढा था द्रोणाचार द्रोणाचार आर्मी का जनरल था जनरल वो चाहता तो दस अर्जुन खड़े कर देता थप्पड़ मार के दुर्योधन को बैठा देता वो आदमी था और उन्होंने जो मुझे डांट लगाई सर मेरे तो आंख में आंसू आ गए मैं तो रुआसा सा हो गया था उस वक्त, उन्होंने बोला कि तो गुस्सा करके जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे तो बी साहब ने उनको शांत करना चाहिए भाई साहब सोके सोके ये बच्चे हैं सर बच्चे हैं ये लोग क्या बच्चे हैं सर पढ़े लिखे हैं नहीं साले चले आते हैं यहाँ एक्टिंग करने के लिए मुंह उठा के और कहते हैं द्रोणाचार्य बड्डा दार इनको मालूम नहीं है सर द्रोणाचार्य के बारे में जानते ही नहीं है द्रोण दुणा, द्रोण वाज ठीक है भाई साहब हमारे तो आंख में आंसू आ गए हमें तो अपने सारे सपने टूटते हुए दिखने लगे हमने कहा अब तो बुढ़े का रोल जो है करने मतलब के अलावा। पहले रोल मिल भी रहा रहा था अब लेकिन लग रहा है कि बिगड़ गई नहीं बिगड़ी नहीं हाँ। बिगड़ी नहीं मतलब तो है जितने ये, ये, कर, बुढ़े के रोल है बाप के माँ के बाप के बुढ़े बुढे दादा दादी वाले रोल मिलेंगे मुझे क्योंकि सफेद दाढ़ी सफेद भी वहां से कहानी टर्न लेती है और हमने महाभारत के किसी भी कलाकार ने ये नहीं सोचा था कि महाभारत आगे चलकर इतना बड़ा इतिहास लिख देगी देश में जी इस देश के हर नागरिक ने शायद महाभारत को देखा होगा बिल्कुल और हमने भी नहीं सोचा था कि इतना पॉपुलर होगा हमने तो ये सोच के कर शो को कर लिया था कि यार हम लोगों की जो मुफलसी वाले दिन है ये जो बहुत स्ट्रगल वाले दिन है वो थोड़े कम हो जाएंगे जी, जी, थोड़ा जी। सा पैसा वैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा तो थोड़ा सा घर वर ठीक ठाक चल जाएगा ये सोच के कि यार उसके बाद फिर कोई अच्छा शो पकड़ लेंगे फिर कोई अच्छा कुछ करेंगे ये सोच के हमने कहा ठीक है यार कर लेते हैं चुपचाप लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में ये थी कि जो भी काम करना है सुरेंद्र सिंसियरली करना है और सिंसियरली करोगे तभी दिखोगे अगर सिंसियरली नहीं किया तो लोग ये कहेंगे ये एक्टर में दम नहीं है ये बड़ा खराब एक्टर है और इसकी भूमिका अच्छी नहीं है करेक्ट मैंने कहा चाहे आप बुढाई का रोल मिले चाहे जवान का रोल मिले चाहे आर्मी का रोल मिले या पुलिस का रोल मिले उसके साथ आपने पूरी तरह से जस्टिस करनी है तो जस्टिस करो यही दिमाग में बस मेरे था समय... टारगेट सामने है टारगेट सामने है और इसको भेदना ही भेदना है ये सोच के मैंने इसमें काम किया और, बहुत और उसके बाद जनता ने इतना प्यार दिया लोगों ने मुझे इतना प्यार और अपना वो दिया है सर, उसके लिए मैं आज तक, आभारी हूं, आज तक आभारी हूँ कि थर्टी सेवन ईयर्स हो गए हैं आज भी मैं जब सड़क पे कहीं चलता हूँ तो लोग मुझे द्रोणाचार्य के नाम से ही बुलाते हैं चाहे मैं किसी को भी मिलूंगा किसी को भी मैं बोलूंगा भी सुरेंद्र पाल मेरा नाम है तो लोग बोलते नहीं ये द्रोणाचार्य है द्रोणाचार्य

कोई दोहराई गई यस यस लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा भी था कि आप थोड़ा सा डिमांडिंग हो गए थे कहानियों को लेके कैरेक्टर्स को लेके कि ऐसा नहीं होगा नहीं, या ऐसा नहीं, होना नहीं, चाहिए नहीं, नहीं, आपने नहीं, एक सीरियल छोड़ा भी मैंने धृुणाशार का रोल करने के बाद ये कह दिया था अपने आप से बोल दिया था कि कलाकार के सामने कोई ऑब्स्टिकल नहीं होता है कलाकार कलाकार होता है उसको चाहे कोई भी किरदार मिल जाए आप उस किरदार को पूरी ऑनेस्टी और सिंसियरिटी से करेंगे तो ऊपर से दिखेंगे उसके बाद उसके बाद महाभारत के बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा आज सैतीस साल की इस यात्रा में दस हजार एपिसोड में अभी तक कर चुका हूँ क्या बिगर देन लाइफ लार्जर देन लाइफ वाले जितने भी रोल अभी तक हिंदुस्तान के पटल के ऊपर बने हैं वो करीब करीब मैं सब कर चुका चुके आप लावण मैंने किया जी कंस मैंने किया परशुराम मैंने किया महाराणा प्रताप मैंने किया पृथ्वीराज चौहान मैंने किया आप नाम तो लो जितने बड़े और ताकतवर और के फिर, वो सब फिर तीस साल के बाद करीब मैंने फिर से तीस साल के बाद फिर से मैंने फिर से इतिहास लिखा और वो लिखा देवों का देव महादेव पर प्रजापति दक्ष के रूप क्या बहुत डिफिकल्ट रोल ना वो किलविश से मिलता हुआ था ना वो द्रोणाचार से मिलता हुआ था वो एक अलग आदमी था <laughs> तो सर गुस्से वाला वाला चाबी एक ही और, थी कि आपने और, आपने और महादेव से, से से महादेव महादेव भिड़ जाने वाला। जी महादेव से लड़ जाने वाला और उसका जो और वो अलग था और उसके बाद मैंने तीस साल के बाद जब लोग सिर्फ मुझे द्रोणाचार्य के नाम से जानते थे उसके बाद फिर लोगों ने मुझे कहा दक्ष प्रजापति दक्ष प्रजापति दक्ष प्रजापति दक्ष प्रजापति मतलब मेरी यात्रा शुरू हुई किलविश से और दक्ष पे जाके खत्म होती है फिर मेरी खत्म नहीं होती इन दिनों भी मेरे तीन चार शो अभी तो आप अभी तो रहे अभी भी शूट से आए चल, चल रहे, रहे हैं अभी तो आगे चल रहे अभी भी शूटिंग से ही आ रहा हूँ सर चाबी वही थी कि जो भी किरदार करना है बस उसको घोल के पी जाना है या उसको नहीं पीना किरदार के साथ आप पूरी ईमानदारी से काम करें ये कलाकार की सबसे बड़ी खूबी है सिर्फ आप पैसा ना देखें वहां पर आप ये देखें कि ये किरदार में कितना दम है और फिर आप कितना जैसे दक्ष है दक्ष मुझसे पहले बारह बार आ चुका है जी। हर गणेश जी में था हर ओम नमः शिवाय में था सत्यम शिवम सुंदरम में था हर जगह दक्ष 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 सती और पार्वती के पिता ही दक्ष थे जी तो वो तो हर जगह दिखेंगे दिखेंगे एक तो पिक्चर आपकी यहां पे देखिए <laughs> बहुत ही जबरदस्त क्या क्या ही ही है और ही ये, है। ये। तो मैं हर रूप में ढलता गया हर रूप में, में ढला। और और यही मैं मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैं एक इमेज पे नहीं रहा मैंने सैकड़ों टाइप के डिफरेंट डिफरेंट रोल एक दूसरे से मिलते हुए ना Right. वो सारे रोल बिगर देन लाइफ लार्जर देन लाइफ वाले सारे रोल मैं करता गया करता गया करता गया और आज यही कारण है कि आज भी मैं तीन शो कर ही रहा हूँ तेरी मेरी डोरियां यस yes, और मेरी नया रामायण सोनी जी, पे जी और प्रचंड अशोक अपना कलर्स के ऊपर टीवी आपको भाग गया सर टीवी ने आपको घर घर तक पहुंचा दिया टीवी ने भी, ने भी फिल्मों ने मैंने फिल्में भी फिल्म ने। लेकिन चूजी चूजी ये नहीं है कि आप मुझे क्योंकि हीरो आजकल फिल्में जो है ज्यादातर हीरोइन के ऊपर बेस होती है कॉमेडी भी वही करते हैं गाना भी वही गाते हैं सब कुछ वही करते हैं तो इसलिए मैं थोड़ा सा वो था कि थोड़ा सा चूजी रहता था कि ऐसा ना हो कि मैं मेरे को आ, मिस कास्ट कर दिया जाए और मैं अपनी इमेज अपनी खो दूँ तो दर्शक जो है मुझे द्रोणाचार्य के रूप में किलविश के रूप में और देवों का देव महादेव के प्रजापति दक्ष के रूप में ज्यादा जानते हैं पहचानते हैं मेरी वो बनी हुई है अभी इन दोनों मैं दारजी के नाम से बड़ा पॉपुलर से पंजाब में आप ये सोचिए कि ऐसा कोई

उस स्टाइल में एक किसके कौन सा कौन सा कौन से वाला तेरी मेरी डोरियां तेरी मेरी डोरियां के दारजी दारजी के स्टाइल में थोड़ा सा <laughs> देखें <laughs> अंगद मेरा सोना पुत्र है ओए पुत्र तू दारजी का ग्रैंडसन है तो जरा दारजी का ख्याल रखना क्या वाँ? कोई काम ऐसा ना करना जिससे दार जी की जो मुछे हैं वो नीची करनी पड़ जाए ध्यान रखना क्या बात है <laughs> सर बिल्कुल बात सही है कि आप जो भी किरदार निभाएं उसमें उसको बहुत ही ज्यादा शिद्दत से निभाते हैं और इसीलिए वो किरदार जो है बड़े बन जाते हैं मतलब लार्जर देन लाइफ और रियल के वो तो रिश्ता बन जाएगा उस किरदार के साथ शेख वेरिएशन कितने किए मैंने मैं तो खुद भी गिन मैं तो गिनती ही हार गया हूँ अब तो अब <laughs> तो याद भी नहीं है मुझे कौन कौन से कैरेक्टर मैंने कहा, कहा क्या <laughs> क्या किया है अमेजिंग मतलब इतिहास ले लो माइथोलॉजी ले लो जी सोशल ले लो कोई भी अगर आप उसके बारे में बात करेंगे तो मैं बोलूंगा यस उसका जब बेस्ट रोल शायद मैं कर चुका हूँ या किया है काफी समा लिया सर मैंने आपका एक दो चीजें मुझे अहम जाननी है आपसे एक दो जी, पहला जी। वो पल कैसा था जब आपको कहीं किसी ने बाहर पहचाना हो और घेरा डल गया हो कि आई लोग कि ये द्रोणाचार्य जी हैं <laughs> जब महाभारत की शूटिंग होती थी जी तब आ... सैकड़ों की तादाद में पब्लिक आती थी देखने अच्छा शूटिंग शूटिंग एक बी आर चोपड़ा साहब ने रवि चोपड़ा साहब ने हमारी एक गैलरी बना रखी थी गैलरी अच्छा, जिसमें दर्शक सिर्फ आएंगे वो गैलरी में खड़े रहेंगे और वहां से पहले मोबाइल कैमरा कहाँ था कैमरा ही थे लोगों के पास लोग ऑटोग्राफी लेते थे ज्यादातर ऑटोग्राफ लेते थे बिल्कुल तो हमारे यहाँ के कई कलाकार जो थे महाभारत वाले वो कहते थे अरे यार पब्लिक है इनको भगाओ 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 भगा हटा 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 मैं कहता था इनको हटाओ मत इनको आने दो हम यही दिन देखने के लिए तो यहाँ तक किया है यही तो हमारे भगवान है यही हमें प्यार करते हैं तो हम दिखते हैं हम दिखते हैं तो बिकते हैं अगर वरना हम दिखना बंद हो जाएंगे तो बिकना बंद हो जाएंगे बिल्कुल तो ये जो है इनको भगाओ मत इनको भगाओ मत हमने हमने हमेशा हमने कहा तुम सारे के, सारे महा के महाभारत के घोड़े पर सवार हो इसलिए दिख रहे हो जिस दिन यह घोड़ा गिरेगा सब नीचे गिरे हुए दिखोगे और आज महाभारत के ज्यादातर कलाकार जो हैं वो गायब हो चुके हैं पूरी तरह से लेकिन आप लगातार मैं आज भी आज भी काम कर रहा हूँ अभी भी देखिए आप मैं शूटिंग से आपके साथ बैठ के बातचीत कर रहा हूँ पिताजी के साथ रिश्ते की बात जरूर मैं क्योंकि एक मैंने सुना था आपके ही जिक्र कर रहे थे इस बात का कि जब पिताजी को बहुत प्राउड महसूस हुआ तो उन्होंने एक खत लिखा था आपको <laughs> और वो खत बड़ा अनमोल रहा क्या इमोशंस थे आपके उसको देखकर कुछ चीजें ऐसी होती हैं शेखर जिसे इंसान बयान नहीं कर सकता और ये पल मेरे जीवन का कुछ ऐसा ही था कि हम पिताजी से बहुत डरते थे और पहले के पिताजी यार मारते बहुत ज्यादा थे पिटाई बहुत करते थे लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ तो अगर हमारे पिताजी ने हमको मारा नहीं होता ना तो आज हम यहाँ तक पहुंचे भी नहीं होते मैं उनकी मार को आशीर्वाद के रूप में लेता था ये उनका आशीर्वाद था जो हमें मिला था और उनके आशीर्वाद की वजह से ही आज हम यहाँ तक पहुंचे मैं मैंने अगर... की जब कोई बात करता <laughs> है तो वो पल याद आ जाते हैं वो जो हमने बचपन में उनके साथ बिताए थे वो पल याद आ जाते हैं कि हमें माँ बाप ने कितना स्नेह और प्यार देके हमें यहाँ तक उनके आशीर्वाद से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं करेक्ट इसलिए मैं आजकल के दर्शकों को और बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि अगर माता पिता ने तुम्हें मारा भी है तो हमेशा उस चीज़ को ये समझना कि उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया है और अगर वो हमें माता पिता नहीं मारते तो शायद हम सही रास्ते पे भी नहीं चलते और सही रास्ते पे अगर हम चले हैं तो हम यहाँ बॉलीवुड तक पहुंचे हैं उनका आशीर्वाद है hmm. और जो लोग अपने बूढ़े माँ बाप का हाथ पकड़ के चलते हैं जिंदगी में याद रखना उनको किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है क्या बात है सर बहुत अच्छा और अ, मेरी माँ जो थी <laughs> मेरी माँ जो थी बहुत बड़ी फैन थी धर्मेंद्र की अच्छा हाँ। और मैं भी हाँ। और मैं भी बता रहा हूँ मैं बहुत बड़ा फैन हूँ धर्मेंद्र का मेरे लिए धर्मेंद्र कलाकार नहीं है मेरे लिए धर्मेंद्र भगवान है भगवान जिस तरह भगवान की पूजा होती है वैसे ही मैं धर्मेंद्र की पूजा करता हूँ जी अगर आप मुझसे बोलो सबसे बेस्ट एक्टर कौन सा है मैं बोलूंगा धर्मेंद्र <laughs> आप बोलोगे सबसे अच्छा इंसान कौन है मैं बोलूंगा धर्मेंद्र जी <laughs> आप बोलोगे सबसे बड़ा एक्टर कौन है मैं बोलूंगा धर्मेंद्र क्या बात है मैन इज नॉट एन एक्टर ही इज अ गॉड ऑफ दिस फिल्म इंडस्ट्री ही इज अ गॉड बहुत प्यार मिला और बड़ा प्यार बहुत, उन्होंने बहुत, बहुत, उनके साथ काम करने का भी मौका मिला मुझे क्रोधी में सुभाष गई जी ने एक बड़ी अच्छी सी भूमिका दी थी क्रोधी में उनके साथ कितना प्यार दिया उन्होंने मुझे अपने आप से फिर गुलामी में मैंने उनके साथ काम किया डाकू का रोल किया था उसमें और उस धर्म जी से बहुत इंटरेक्शन होता था हम लोग जयपुर में फतेहपुर शेखावटी में रहते जी थे जी जी टेंटों में रहते थे हमारे पास होटल नहीं था कहीं रहने वहने के लिए पहले इतना कल्चर नहीं था ना इतने सारे होटल वोटल नहीं हुआ करते थे हम लोग टेंटों में रहते थे धर्म अच्छा, जी भी टेंट में रहते थे अच्छा। हाँ। उनके साथ काम किया इतना प्यार इतना वो इतना अपनापन जो देखने को मिलता था वो हमें धर्म जी से ही मिला। एक मोमेंट तो आपने शेयर भी किया था किसी कन्वर्सेशन में, कि कि <laughs> तो में कि नहीं, नहीं बॉम्बे नहीं आती थी जी तो मैंने माँ मा, मा जो थी हमेशा कहती थी जैसे मेरे छह बे, छह बेटे हम छह भाई हैं, ओके तो वो कहती थी कि एक मेरा बेटा और है मैंने कहा कौन कहती धर्मेंद्र भी मेरा अच्छा क्योंकि तो उनको लगता था कि मेरे बेटे लंबे चौड़े हैं तो धर्मेंद्र भी लंबा चौड़ा है बहुत स्ट्रांग है तो वो भी मेरा बेटा है जी तो 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 उनको हमेशा बेटा कहती थी। तो मैंने कहा चल तुझे अपने बेटे से मिला के लाता अच्छा तो मेरी माँ बोलती थी मेरी माँ कहीं जाती नहीं थी घर छोड़ के घर छोड़ के वो नहीं जाती तो मैंने कहा बॉम्बे कैसे लेके जाऊं मां और उन दिनों में कोई कुछ काम धंधा भी नहीं था मेरे हाथ में तो मैंने कहा चलो माँ तो नहीं बेटा नहीं बेटा नहीं मना मना करती रहती हूँ मैंने कहा चलो मैंने कहा माँ तुझे धर्मेंद्र से मिलाऊंगा चलो माँ तुझे धर्मेंद्र से मिलाऊंगा जी तो मेरी माँ एक मिनट सोचने लगी तो मेरी माँ बोलती है सच सच। बेटा। मैंने कहा चल तेरे को धर्मेंद्र से मिला तो बोलने लगी ठीक है बेटा चलती हूँ फिर माँ ने अपना मांझा फिर राजधानी से मैं अपनी माँ को लेकर आया बॉम्बे हाँ. लाया घर में लाया जी तो अब माँ रहने लगी तो माँ खाना वाना बनाती थी घर में मैं खाता वाता था बड़ा अच्छा लगता था माँ के साथ जब रहता था तो एक दिन माँ ने बोला बेटा मुझे इतने दिन हो गए तूने धर्मेंद्र से नहीं मिलाया मिला। नहीं <laughs> अब मेरे सामने बड़ी समस्या मैं तो धर्मेंद्र को जानता भी नहीं हूँ अच्छा अच्छा उस समय पे मुलाकात ना, ना ना कोई मुलाकात नहीं कोई बातचीत नहीं कोई कुछ नहीं कुछ भी नहीं मैंने कहा क्या करूं यार क्या करूं फिर मैंने किसी दोस्तों से पूछा मैंने कहा यार कुछ पता है धर्मेंद्र के बारे में बोले हाँ वो यार मोहन स्टूडियो है ना अपना अंधेरी में ईस्ट में मैंने हाँ कहे रहे वहाँ शूटिंग कर रहे हैं अच्छा चला जा मैंने कहा यार माँ को मिलाना चाहता हूँ हाँ चाह तू चला जा ले माँ को लेके चला जा वहाँ पे स्टूडियो में माँ को दिखा देना वहां से स्टूडियो में जैसे विजिटर्स आते हैं देखने वो देखें मैंने बोला हाँ यार ये ठीक है ठीक है चल मैंने माँ को टैक्सी में बैठाया मैं टैक्सी लेकर आया अंदर, अंदर, अंदर ले टैक्सी में वहां जाके खड़ी कर दी टैक्सी माँ को अंदर गाड़ी में बैठाए रखा मैंने मैंने कहा मैं उतरा मैंने कहा अभी आता हूँ माँ मैं वहां से पहुंचा किसी से मैंने पूछा धर्मेंद्र जी कहा है तो बोला जी वो अपने कमरे में बैठे होंगे अच्छा अच्छा पहले अपने पास वैन वैन भी नहीं होती थी कमरे होते थे ये वैनिटी वैन था वैनिटी कमरा था मैंने कहा अच्छा चलो मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ते गए तो गया दरवाजे को नॉक किया और मेरी हार्ट की पल्पिटेशन बढ़ चुकी थी बहुत ओके कि अब ये आदमी मुझे मारेगा पीटेगा या धक्का मार के भगा देगा <laughs> और भगा देगा तो मैं माँ को क्या बोलूंगा लेकिन कहते हैं ना हुई है वही जो राम रुचि राखा क्या बात है अंदर जा आवाज यस मैं दरवाजा को खोला धीरे से करके मैं सर नमस्कार नमस्ते मैंने कहा सर मेरी माँ आई है मिलने गांव से आपसे मिलने आई है माँ मा से मिलाना चाहता हूँ तुमने लगा यार क्या आदमी है साला कह रहा माँ से मिलाना माँ से मिलाना हाँ, हाँ लेकर आओ लेकर आओ लेकर आओ अच्छा साथ की साथ ही बोला हाँ लेकर आओ तुरंत बोला उन्होंने हाँ। तुरंत बोला उन्होंने जबकि आजकल के एक्टर्स जो हैं उनके बाउंसर खड़े हैं उनके ये खड़े हैं उनकी ये सिक्योरिटी उनकी जेड सिक्योरिटी ये उस पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी कुछ नहीं नथिंग बोला हाँ लेकर आओ लेकर आओ लेकर आओ ले सुनना था मेरा भागे एकदम से मैं दौड़ा भाई साहब <laughs> दौड़ा वहां से कॉरिडोर दोड़ में दौड़ा सीढ़िया भागा लोग देखे आदमी इतनी तेज क्यों साला <laughs> कहीं चोरी करके तो कुछ नहीं भाग रहा है मैं वहां पहुंचा और जल्दी से मैंने माँ को जल्दी से टैक्सी में निकाला मैं टैक्सी वाले को पैसे दिए मैंने चाह मैं माँ आ चल अब माँ मेरी बुढ़ी माँ जी अब वो धीरे धीरे चल रही है और मैं तेजी से मां जल्दी चल कहीं ऐसा निकल जाए राइट right. हाँ, मैं मेरी जल्दी जल्दी फिर माँ को सीढ़ियाँ चढ़ाई मैंने दरवाजा हाँ फिर तो तीन चार लोग प्रोड्यूसर बैठे हुए थे वहां पे तो धर्म हाँ। जी ने उनसे कहा कि जरा दो मिनट में जरा बात कर लो उनसे जी मैंने बोला लाओ लाओ धर्म जी सोफे पे बैठे हुए थे उठ के खड़े हुए और उन्होंने मेरी माँ को यू अपने गले, गले लगा लिया छप्पी मारी उन्होंने क्या बात है वो सीन मैं देखते देखते मेरे आंखों में आंसू छल आए थे मैंने कहा देख मेरी माँ का ये सपना तो कम से कम मैंने पूरा किया और आपके दिल के लिए धर्मेंद्र जी की भी वैल्यू कितनी बढ़ गई हो 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 धर्म जी के बारे में तो आज कोई मुझे कुछ बोल दे तो मैं उसका मुंह तोड़ दू गॉड ही गॉड ही गॉड तो जब उन्होंने गले लगाया फिर उन्होंने मेरी माँ का हाथ पकड़ के सोफे पे बैठाया और फिर बातें करते हैं पंद्रह मिनट तक उन्होंने खूब बातें की फिर मैंने अपनी माँ से कहा माँ चल चल बहुत देर हो गई <laughs> <laughs> है इससे पहले धक्का मार दे ये बोले नहीं नहीं अरे बैठे तो बैठे दो अरे बैठे दो अरे दो, अरे ओके ओके फिर माँ थोड़ी देर बैठ के बात की और धर्म जी ने भी उनसे बात की माँ जी आप कैसी हो और ये बड़े जो एक माहौल बनाया उन्होंने उनके साथ ऐसा लग रहा था जैसे बरसों बरसों से वो जानते हैं एक दूसरे को बिल्कुल एक्टर्स का और सर... मेरा जब वो सपना पूरा हुआ जी मैंने कहा चलो मेरी माँ का अगर सपना पूरा हुआ है तो मेरा भी सपना इस बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में पूरा ही होगा क्या बात है एक बोस... दिन होगा जरूर फिर मैं माँ को लेके गया घर जब लेके गया तो उसके बाद जब भी मुझे धर्म जी मिलते थे किसी फंक्शन में किसी पार्टी में फिर तो हम लोग काफी मिलने लगे थे और साथ में काम भी किया हमने उनके साथ तो मुझे हमेशा पूछते थे कभी ये नहीं कहा तेरी माँ कैसी हमेशा बोलते थे अरे दूर से दिखा के हाथ कहते अरे मेरी माँ कैसी है ये बता <laughs> मैंने कहा आपकी माँ बहुत अच्छी है बहुत याद करती है आप अरे जब भी बॉम्बे आए तो तुम मेरे घर लेकर आना उनको अच्छा ठीक है तो मैंने वो इतना बार? प्यार इतना वो कौन किसी को देता है दुनिया में ना, अपनों के लिए शायद वही जैसे आपके लिए वो इंस्पिरेशन बने आपने देखा कि उन्होंने कितना वेलकम किया आपका भी नेचर सर वैसा ही है मैंने देखा कि आपने <laughs> कितने हमें प्यार से बुलाया अरे आ, मैं यहां पे आया आपने नहीं शेखर मुझे मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी में टैलेंट है और हर आदमी कहीं ना कहीं आ, आगे चल के अगर इस मुंबई में आया है अपने घर परिवार से दूर रहकर तो वो भी शायद एक सुरेंद्र पाल है और वो भी कल को बहुत बड़ा स्टार बनेगा अपनी फील्ड में जी अगर आप कैमरामैन हैं तो बहुत बड़े कैमरामैन बनेंगे अगर आप एक्टर हैं तो बहुत बड़े एक्टर बनेंगे अगर आप डायरेक्टर हैं तो बहुत बड़े डायरेक्टर बनेंगे मैं इतना जानता हूं कि जिन्होंने मेरे साथ शक्तिमान में काम किया था एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर्स आज वो सब बड़े बड़े डायरेक्टर्स बन चुके हैं क्या बात तो इसलिए मैं कहता हूँ कि नहीं कोई भी बन सकता है कोई भी जी जब मैंने वो लड़कियों को देखा है जो बेचारी स्ट्रगल कर रही थी जो बेचारी ट्रेनों में मिलती थी मुझे आज वो बहुत बड़ी बड़ी बन गई बड़े बड़े फ्लैटों में रह रही है करेक्ट हा? तो इसलिए हर आदमी कहीं ना कहीं इसलिए मेरा ये कहना है हर इंसान को इंसान समझो भैया हाँ। तुम भगवान नहीं बन गए हो कलाकार बन गए हो जी भगवान नहीं बन गए हो कलाकार हो कलाकार की तरह रहो मिलजुल के रहो जितना जो धर्म जी ने हमें सिखाया है हम उसी को फॉलो करेंगे जहां से हमें अच्छे संस्कार मिले हैं जी। हमें अच्छे माँ बाप से मिले हैं संस्कार हम अच्छे संस्कार लोगों के बीच में क्यों ना दिखाएकड़ दिखाए हम, दिखा हम कलाकार चलेंगे भी सो साले चोके चोके। ये क्या चलना है सीधे चलो यार बिल्कुल सही इंसान हो यार तुम्सान सीधे सीधे चलो बहुत अच्छा लगा सर आपके विचार भी जाने हैं आपकी लाइफ के बारे में हमारे फेवरेट किरदारों के बारे में उनके पीछे की कहानियाँ किससे बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना ये समा देने के लिए और बहुत खुला समा मुंबई ऐसा शहर देखा मैंने जहाँ पे कई लोगों से बात हुई तो वो बात करते हैं कि भाई सोशल सोशल आ, सर्कल बनाने के लिए कहाँ समय है आप काम बताइए सीधा सीधा काम बताइए काम क्या है ऐसे भी देखे और एक आप जैसे भी देखे आपने कहा मैं शूट पे हूँ शूट से वापस आते ही आपने मैसेज भी किया मुझे कि मैं आ गया हूँ और घर पे आए तो ऐसे लगा ही नहीं है मैं मुझे लग नहीं रहा कि मैं मुंबई में बैठा हूँ तो मुझे तो वही दारजी नजर आ रहे हैं जो, तानक यू, तानक जो पूरा पंजाब देख रहे हैं गुरु वशिष्ठ भी बना जी आ, राम और लक्ष्मण का जी और प्रचंड अशोक में राजा चंद्रगुप्त मौर्य भी किया जी इतनी अलग अलग भूमिकाएं जब भी कभी आती हैं चैनल पे भी आती हैं तो लोग सबसे पहले यही कहते हैं कि ये रोल अगर कोई कर सकता है तो एक ही एक्टर कर सकता है सुरेंद्र सुरेंद्र सुरेंद्रपाल ये मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है ये मेरे लिए सबसे बड़ा मेडल है जी मैं ये कहता हूँ बिल्कुल सर जब हिंदुस्तान में लोग ये कहते हैं कि ये कलाकार जो है बहुत शानदार कलाकार है बहुत अच्छा कलाकार हुँ. है मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? और आप विश्वास कीजिए तो सैकड़ों लोग आते हैं मुझसे फोटो खिंचाने में कभी किसी को निराश हो के बेचता नहीं हूँ जी मैं सबके साथ अपना अपना वो कहता हूँ मुझे लगता है कि इन्हीं में से कोई एक सुरेंद्र पाल जो है कल को जो है द्रोणाचार्य बनेगा हाँ बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से थैंक यू सो मच सो आपको ये एपिसोड कैसा लगा है अपने कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताएं और हम अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी और गेस्ट के साथ तब <laughs> तक के लिए टेक केयर बाय